अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हबीब रहमान बेग, बेस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनीज इन 2024। अगर आप 2024 के अंदर किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो के अंदर मैं तकरीबन 15 डिफरेंट कंपनीज का जिक्र करने वाला हूं जो टॉप की कंपनीज है, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। दुनिया में कहीं भी आप जाते हैं, अगर आप अमेरिका जाएं, आप यूरोप में जाते हैं, आप जर्मनी जाएं, आप फ्रांस जाएं, आप इटली जाएं, आप दुबई जाएं, आप सऊदीया जाएं, हर जगह पर आपको ये कंपनीज नजर आएंगी। और इसमें से ज्यादातर कंपनीज पाकिस्तान में भी है और बाहर की कंट्रीज में भी अवेलेबल है। ठीक है जी, वीडियो कंप्लीट देखें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के हवाले से वीडियोस आपके मोबाइल पे मिल जाए करें और आप उसको देख के फायदा उठा सके और फ्यूचर की प्लानिंग कर सके। पता होगा आपको कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो लोग जो अपने पैसे को सेव करना जानते हैं और फ्यूचर में उनके बुढ़ापे में उनके वो काम आता है, और एक वो लोग होते हैं जो अपने पैसे को जाया करते हैं फजूल किस्म की चीजों के ऊपर, फजूल किस्म के एक्सपेंसेस के ऊपर, और जाया करके बाद में वो लोगों से उधार मांगते फिरते रहे हैं। स्पेशली जब वो बीमार हो जाते हैं या उनके कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, उनके घर में किसी किस्म की प्रॉब्लम आ जाती है, कोई डिजास्टर आ जाता है, या वो खुद बीमार हो जाते हैं, या किसी किस्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए मैं इन्वेस्टमेंट के टिप्स आपको देता हूं, अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस, अपनी लाइफ में जो कुछ सीखा है मैंने, जो कुछ मैंने पढ़ा है, जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ मैंने लिखा है, वो सब के सब मैं अपने वीडियोज में लोगों को बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग वो गलती ना करें जो मैंने की है या और भी कई जिंदगी में लोग करते हैं आपके इर्द गिर्द। वो पैसे अपने सेव नहीं कर पाते और फ्यूचर में उनको परेशानी होती है। ठीक है जी, इसमें मैं 15 डिफरेंट कंपनीज का जिक्र करने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहली जो कंपनी मैं आपको बता सकता हूं जो पाकिस्तानी कंपनी है और ये क्यों टॉप पे है उसकी भी एक मैं रीजन आपको बताऊंगा। कंपनी नेम इज फौजी फर्टिलाइजर। फौजी फर्टिलाइजर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अगले 50 साल तक आपके जो पैसे है ना वो बढ़ते भी जाएंगे, आपको हर साल डिविडेंड भी मिलेगा और आपके पैसे डूबेंगे नहीं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जितनी भी टॉप की कंपनीज हैं जो हाई प्रॉफिट के अंडर आती हैं वो ज्यादातर इसी ग्रुप के साथ है। फौजी फर्टिलाइजर है, फौजी सीमेंट है, और इनका अस्करी बैंक है, और सारी टॉप की जो कंपनीज हैं वो उनके अंदर चूंकि अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे टॉप की मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है हमेशा। तो जहां भी कंपनीज की मैनेजमेंट अच्छी हो, जिसके ऊपर अच्छा कंट्रोल हो, तो उसी कंपनी में आपको शेयर्स खरीदना चाहिए। ठीक है जी, चाहे आप दुनिया का कोई भी शेयर खरीदे, आपने सिर्फ मैनेजमेंट को देखना है कि मैनेजमेंट ईमानदार है या नहीं है और कैपेबल है या नहीं है। ठीक है जी, जो दूसरी कंपनी मैं आपको बताता हूं इस वीडियो के अंदर, दैट इज एंग्रो। एंग्रो फूड्स है और एंग्रो फर्टिलाइजर है। एंग्रो ग्रुप जो है इसके अंदर, जो एंग्रो फूड्स है उसके अंदर आपको देख लें कि इनकी बेशुमार मिल्क की प्रोडक्ट्स आपको नजर आएंगी, इनको डेयरी की प्रोडक्ट्स आपको नजर आएंगी, इनमें आपको आइसक्रीम्स भी नजर आएंगे और डिफरेंट ब्रांड्स नजर आएंगे। इस तरह एंग्रो के फर्टिलाइजर है, एंग्रो फर्टिलाइजर भी बहुत बड़ी कंपनी है। इस तरह एंग्रो जो कंपनी है इसकी जो विंड पावर मिल्स आपको नजर आती है कराची में और डिफरेंट एरियाज में, जहां पे साहिल समुद्र के साथ विंड मिल्स इन्होंने लगाई है बिजली पैदा करने के लिए। तो ये भी अच्छा ग्रुप है, बेसिकली एग्रो ग्रुप हो गया, अस्करी ग्रुप हो गया, ये आपको फौजी फर्टिलाइजर ग्रुप हो गया। ये बहुत अच्छा ग्रुप है, हमेशा अच्छा रिटर्न देता है अपने इन्वेस्टर्स को। जो शेयर्स अगर आप एक बार खरीद लेंगे, हर साल आपको 25 से 30% आपको डिविडेंड प्रॉफिट की सूरत में मिलेगा, प्लस शेयर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे देखे ना, एक मकान आप लेते हैं, मकान की वैल्यू भी बढ़ती जाती है और उसके ऊपर हर साल आपको किराया भी आता है, हर महीने मतलब किराया आता है। इसी तरह ये जो अच्छी कंपनीज होती हैं उसमें जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो शेयर है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है और साथ ही आपको हर साल रिटर्न भी अच्छा मिलता है, अच्छा प्रॉफिट 25 से 30%। बैंक में आप रखते हैं ना तो आपको ज्यादा 10 से 15% इंटरेस्ट मिलता है, उसके ऊपर भी पता नहीं कितने किस्म के टैक्सेस हैं और इनकम भी हलाल नहीं होती। लेकिन अगर आप शेयर्स के अंदर पैसा लगाते हैं तो एक तो इनकम आपकी 100% हलाल होती है क्योंकि आप बिजनेस में लगा रहे हैं पैसा, और दूसरा इसमें आपको पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और आपका जो शेयर है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। यानी कि बैंक में आपने जितने पैसे जमा करवाए थे ना, आपने 1 लाख करवाया था तो उसके ऊपर आपको 15% इंटरेस्ट भी मिल रहा है ना, तो वो 15% ही बढ़ा, लेकिन वो 1 लाख उधर का उधर ही रहा। लेकिन जो शेयर है, शेयर जो है वो शेयर भी बढ़ता जा रहा है। यानी कि शेयर आज फर्ज के 100 रुपए का है तो साल बाद हो सकता है वो 200 रुपए का शेयर हो जाए, वो यानी शेयर की वैल्यू भी डबल हो गई और साथ में आपको 25% प्रॉफिट भी मिल गया, यानी डबल फायदा हो जाता है। और इसलिए आप शेयर में जब भी पैसा लगाएं, अच्छी कंपनी को देखें, अच्छे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखें, उसकी टॉप मैनेजमेंट को देखें, और ये भी देखें कि पिछले 10 सालों में उन्होंने कितना डिविडेंड दिया और उनका शेयर है उसकी वैल्यू कितनी बड़ी है। ठीक है, नंबर थर्ड कंपनी जो मैं आपको बताने वाला हूं जो कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी इन 2024 है, दैट इज बेस्ट वे सीमेंट। सीमेंट आपको बता, हमारी कंट्री में आजकल डेवलपमेंट हो रही है, सड़कें बन रही हैं, मेट्रोज बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, मोटरवेज बन रही हैं, डिफरेंट किस्म की बिल्डिंग्स बन रही है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही है। इवन पाकिस्तान में
और डिफरेंट अफगानिस्तान के अंदर बड़ी तरक्की हो रही है, दुबई में बड़ी तरक्की हो रही है, इंडिया हमारा सातवां कंट्री है, उसमें बेशुमार मोटरवेज और पता नहीं क्या एक्सप्रेस वेज क्या कुछ बन रहा है, तो सीमेंट की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। ये जो बेस्ट वे ग्रुप है इनका सीमेंट 53 ग्रेड का होता है, यानी बहुत अच्छी क्वालिटी का सीमेंट होता है। पाकिस्तान में सिर्फ 3 से 4 कंपनीज ऐसी हैं जो 53 ग्रेड का सीमेंट बनाती हैं। 53 ग्रेड ऐसा सीमेंट होता है जो बहुत हाई क्वालिटी का होता है, और अगर आपने कोई पुल बनाना है, कोई अंडरपास बनाना है, कोई फ्लाईओवर बनाना है या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है जिसका लेंटर आपने डालना है, तो आप हमेशा 53 ग्रेड का सीमेंट यूज करते हैं। और बेस्ट वे का जो सीमेंट है वो 53 ग्रेड का है, इसलिए अगर आप इसके शेयर्स खरीदते हैं तो आपको ना सिर्फ यह कि शेयर की वैल्यू में हर साल इजाफा मिलेगा बल्कि आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, 20-25% कभी कभी 50-50% तक प्रॉफिट देते हैं। नंबर फोर्थ कंपनी है जो कि आपके हर घर में, आप जो टूथपेस्ट यूज कर रहे होते हैं, आप घर में डिटर्जेंट यूज कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की आप चीजें यूज कर रहे होते हैं, इवन बर्तन धोने का साबुन आप यूज कर रहे होते हैं, तो ये कंपनी की प्रोडक्ट्स आप घर में यूज करते हैं। इस कंपनी का नाम है कोलगेट पामोलिव। कोलगेट का आप टूथपेस्ट हर बंदा तकरीबन यूज कर रहा होता है अपने घर के अंदर। फिर इसी कंपनी की प्रोडक्ट्स आप देखते होंगे कि आप जो घर में डिटर्जेंट, जो कपड़े धोने का साबुन यूज करते हैं या बर्तन धोने का साबुन यूज करते हैं, वो भी सारे कोलगेट पामोलिव कंपनी के होते हैं। अगली कंपनी है इंडस मोटर। ये एक ऐसी कंपनी है पिछले 60 सालों से पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी गाड़ियां बना बना के ये बेच रही है। ये टोयोटा कार्स आपको पता है असेंबल होती है पाकिस्तान में, और ये जो इंडस मोटर के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड हुई है 1990 में हुई थी, और उससे पहले भी ये कंपनी थी लेकिन पहले वो बाहर से इंपोर्ट करते थे, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर जो असेंबलिंग का काम हो रहा है गाड़ियों की असेंबलिंग का, यानी टोयोटा कंपनी की गाड़ियों की असेंबलिंग का, ये इंडस मोटर कंपनी पिछले 30 साल से या 34 साल से कर रही है पाकिस्तान के अंदर। तो टोयोटा कंपनी का मियार आपको पता ही है, टोयोटा कंपनी की जो गाड़ी आप खरीदते हैं ना, आज फर्ज किया आप एक 50 लाख रुपए की गाड़ी खरीदेंगे तो 10 साल बाद बेचेंगे तो 50 लाख की गाड़ी आपकी 60 लाख में बेचेगी, मतलब ज्यादा प्रॉफिट पे बिकेगी हमेशा। गाड़ी जब भी आप टोयोटा खरीदते हैं, जब भी बेचने की कोशिश करेंगे, आपको एक तो फौरन बिक जाएगी और दूसरा यह फायदा होगा कि आपको प्रॉफिट के ऊपर बिकेगी हमेशा। तो ये बड़ी अच्छी कंपनी है, इसके अगर आप शेयर्स बाय कर लेते हैं तो शेयर्स भी बढ़ते जाते हैं हर साल, और हर साल ये डिविडेंड भी बड़ा अच्छा देते हैं, यानी प्रॉफिट भी बड़ा अच्छा देते हैं, वो भी हलाल तरीके से आपको प्रॉफिट मिलता है, और वो भी 20%, 25%, 50% तक भी इन्होंने दिया है 10 सालों में अगर आप इनके देखें तो। अगली कंपनी है नंबर 6 कंपनी एटलस होंडा। एटलस होंडा जो है ना, ये मोटरसाइकिल्स बनाती है, होंडा के मोटरसाइकिल आपको पता है, होंडा के CD70 मोटरसाइकिल, होंडा के 125 मोटरसाइकिल इतने ज्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान के अंदर। जितने भी लोग मोटरसाइकिल्स वगैरह खरीदते हैं उसमें 70-80% लोग होंडा की मोटरसाइकिल्स ही खरीदते हैं। तो लोग कहते हैं ना मैं होंडा ही हूं, तो मैं होंडा ही लैसा, यदि होंडा मोटरसाइकिल्स लोग बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, तो इसके जो शेयर्स हैं इसकी वैल्यू भी हर साल पिछले अगर आप 25-30 साल का रिकॉर्ड अगर आप चेक कर लें तो हर साल होंडा एटलस होंडा के जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, साथ साथ वो शेयर्स के ऊपर डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट भी देते जा रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट देते हैं, आपकी अच्छी कंपनी है, डूबने का भी कोई खतरा नहीं है। नंबर 7 इज एबट लेबोरेटरीज। आप घर में जितने भी मल्टीवाइटामिन यूज कर रहे होते हैं, जो डॉक्टर्स आपको मल्टीवाइटामिन लिख रहे होते हैं, या आप कई मल्टीवाइटामिन वाला दूध यूज करते हैं, जब आपके घर में कोई बीमार हो, कोई बच्चा बीमार हो, या कोई बूढ़े आपके घर में बाप या दादाजी वगैरह बीमार हो, तो उनको डॉक्टर जो दूध लिख के देते हैं ना, वो दूध भी एबट कंपनी का होता है। तो एबट कंपनी भी पिछले कोई 50 सालों से पाकिस्तान में बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है, और एबट भी हर साल अच्छा डिविडेंड देती है, और साथ साथ इसके शेयर की वैल्यू पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। एबट कंपनी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये इंग्लैंड में भी आपको नजर आएगी, आपको अमेरिका में नजर आएगी, आपको फ्रांस में नजर आएगी, आपको यूरोपियन जितने कंट्रीज हैं वहां नजर आएगी, आपको सऊदीया में नजर आएगी, दुबई में, मलेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह पे आपको एबट कंपनी नजर आती है। ये मल्टीनेशनल कंपनी है, ये अच्छा डिविडेंड हर साल प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को देती है। नंबर एट कंपनी है यूनिलीवर। आप घर के अंदर जितने भी साबुन यूज कर रहे हैं, जितनी चाय की पत्तियां यूज कर रहे हैं इंटरनेशनल, वो सारी यूनिलीवर की है। साबुन आप देख लें, आप शैम्पूज आप देख लें, इस तरह बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं, यू नेम इट वी हैव इट। आप इवन आप आइसक्रीम जो खाते हैं टॉप की, वो सारी यूनिलीवर की हैं। तो यूनिलीवर कंपनी भी पिछले कोई 60-70 साल से पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट है और बड़े अच्छा काम कर रही है। इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे मियार की होती हैं और इनके शेयर की वैल्यू भी हर साल बढ़ रही है। पिछले 25-30 साल से मैं देख रहा हूं इनकी शेयर की वैल्यू भी हर साल बढ़ती है, और साथ ये डिविडेंड भी अच्छा देते हैं, यानी आपकी ये एक तरह की बेस्ट इन्वेस्टमेंट है फॉर 2024। इट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर 2024 है।
नंबर नाइन्थ इज नेशनल फूड्स। नेशनल फूड्स में आपको पता होना चाहिए, आजकल जैसे रमजान का महीना है, लोग फ्रूट चाट अपने घर में बनाते हैं। फ्रूट चाट के अंदर जो मसाला डलता है, चाट मसाला जो डलता है, वो नेशनल फूड्स का होता है। फिर आपको चिकन बनाते हैं, चिकन कढ़ाई बनाते हैं, वो आपको कोरमा मसाला आप देख लें, आप बिरयानी मसाला देख लें, ये सारे नेशनल फूड्स के मसाले आपको नजर आते हैं। नेशनल फूड्स बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी इज ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। ये ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन भी बेस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी है 2024 की, क्योंकि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की जितनी भी डॉक्टर्स आपको मेडिसिन रिकमेंड करते हैं ना, तो ज्यादातर जो दवाइयां हैं वो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की होती हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, कनाडा के अंदर, वहां भी डॉक्टर इन्हीं की दवाइयां रिकमेंड करते हैं। तो इसलिए ये कंपनी के शेयर्स भी हर साल बढ़ते जा रहे हैं, और साथ ही साथ ये कंपनीज वाले प्रॉफिट यानी डिविडेंड की शक्ल में शेयर होल्डर्स को अच्छा मुनाफा भी देते हैं, वो भी हलाल तरीके से, क्योंकि वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे ना, वो बेसिकली दे आर हेल्पिंग पीपल। जब कोई बंदा बीमार होता है तो उनको अच्छी मेडिसिन दे के उनका इलाज करते हैं। नंबर 11th कंपनी इज मिल्लत ट्रैक्टर। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, यहां पे ट्रैक्टर्स की बेशुमार जरूरत है। मिल्लत ट्रैक्टर पाकिस्तान की तकरीबन सबसे ओल्डेस्ट कंपनी से आती है, और ये मिल्लत ट्रैक्टर के शेयर्स हमेशा बढ़ते हुए नजर आएंगे आपको, और सिमिलरली ये हर साल डिविडेंड भी बड़ा अच्छा लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इसलिए आप इसके शेयर्स भी आंख बंद करके खरीद सकते हैं, और आपके पैसे डूबने का कोई खतरा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री है, हर साल हमें सब्जियां, फल और फ्रूट्स वगैरह हर चीज बनानी पड़ती है, कल्टीवेट करनी पड़ती है, तो ट्रैक्टर की जरूरत तो रहेगी अगले 50 साल तक, अगले 100 साल तक, ठीक है जी। नेक्स्ट कंपनी इज पाकिस्तान स्टेट ऑयल, PSO। ये कंपनी हमारी अपनी कंपनी है, इससे हमें पेट्रोल खरीदना चाहिए, डीजल अपनी गाड़ी में डालना है, पेट्रोल अपनी गाड़ी में यूज करना है, तो PSO कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। फ्यूचर के प्लान्स इनके ये भी है कि इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग स्टेशन है ये भी बनाने जा रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी कंपनी है पेट्रोल की। इसके शेयर्स की वैल्यू भी पिछले आप 25-30 साल का रिकॉर्ड देख लें तो हमेशा शेयर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और साथ ही साथ ये डिविडेंड भी अच्छा देते हैं। नंबर थर्ड कंपनी, 13th कंपनी, सुई नॉर्दर्न कंपनी। वो कंपनी है जो इस्लामाबाद से लेके लाहौर तक और फैसलाबाद, ये जो नॉर्थ का एरिया है ना, यहां पे जितने भी सुई गैस घरों के कनेक्शन लगते हैं ये सुई नॉर्दर्न कंपनी के लगाते हैं, और इसका भी बड़ा अच्छा प्रॉफिट है हर साल, ये इसके शेयर की वैल्यू भी बढ़ती है और अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं। नेक्स्ट 14th कंपनी अटक पेट्रोलियम। अटक पेट्रोलियम भी पाकिस्तानी कंपनी है, पेट्रोलियम बेस्ड कंपनी है, प्राइवेट लेवल की, लेकिन बड़ी अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे लेवल का पेट्रोल बनाती है। अटक में इनकी रिफाइनरी है जहां से पेट्रोल को रिफाइन करके पेट्रोल को, हाई ऑक्टेन को, डीजल को, और डिफरेंट फर्नेस ऑयल, डिफरेंट किस्म की चीजें ये बनाते हैं, बना के ये सेल करते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, जो कि अपने शेयर होल्डर्स के अंदर डिवाइड करते हैं, और साथ ही साथ इनकी शेयर की वैल्यू भी हर साल बढ़ती जा रही है पिछले 25-30 साल से। नेक्स्ट कंपनी इज इंटरलूप। इंटरलूप बेसिकली एक एक्सपोर्ट करने वाला टेक्सटाइल ग्रुप है जो कि फैसलाबाद में लोकेटेड है। फैसलाबाद अगर आप जाते हैं ना लाहौर से शेखपुरा रोड के ऊपर, तो लाहौर शेखपुरा रोड के ऊपर फैसलाबाद आने से थोड़ा पहले ये कंपनी आती है। इस कंपनी का नाम है इंटरलूप प्राइवेट लिमिटेड। इंटरलूप जो कंपनी है, इस कंपनी के अगर आप शेयर खरीद लेंगे तो ना सिर्फ ये शेयर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये बेडशीट्स और डिफरेंट किस्म की जो आइटम है ना, टॉवल्स होते हैं, बेडशीट्स होती हैं, ये यूरोप और अमेरिका के अंदर ये एक्सपोर्ट करते हैं और बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। जो प्रॉफिट इनके पास आता है वो फिर अपने शेयर होल्डर्स के अंदर हर साल डिवाइड करते हैं, और लोग बैंकों से डबल प्रॉफिट कमाते हैं, साथ साथ जो आपके शेयर की वैल्यू है वो भी बढ़ती जाती है। जैसे देखिए ना, कंपनी आप घर किराए पे देते हैं तो घर की वैल्यू भी बढ़ती है, किराया भी आपको मिलता है। इस तरह इस कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो शेयर की वैल्यू भी बढ़ती है, साथ साथ आपको इसका प्रॉफिट भी मिलता है, और वो भी हलाल तरीके से। नंबर 16th पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सिर्फ दुनिया में आपको फायदा नहीं देगा बल्कि आखिरत में भी फायदा देगा, वो है अल्लाह की राह में कुछ पैसे लगाना। ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हमारी जिंदगी 60-70 साल से ज्यादा नहीं होती, और आफ्टर दैट हमें जो जरूरत होती है, हम रमजान शरीफ में अल्लाह की राह में या और दिनों में आप अल्लाह की राह में पैसे, 1 रुपया अगर आप खर्च करेंगे तो कुरान मजीद में ये आता है, अल्लाह पाक ने वादा किया है कि वो हमें 700 गुना तक मुनाफा देंगे अगर हम अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 261 जो आपको नजर आ रही है, सूरह बकरा आयत नंबर 261, इसमें अल्लाह ने कहा कि जो भी अल्लाह की राह में पैसे देगा उसको मैं 700 गुना तक बढ़ा दूंगा, और इससे भी ज्यादा, वो अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह चाहे तो इससे भी ज्यादा आपको आपकी नीयत के मुताबिक आपको देगा। लेकिन शर्त इसमें सिर्फ ये होती है कि आपने जो भी पैसे अल्लाह की राह में देने हैं वो एक तो हलाल कमाई होनी चाहिए, दूसरा
किसी हलाल काम के लिए देने चाहिए। आपको किसी ऐसे बंदे को पैसे नहीं देने जो कि पैसे जाया करता हो, किसी ऐसी जगह पे नहीं देनी, किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं देने जो पैसे जाया करते हो, ठीक है। किसी ऐसे बंदे को भी नहीं देते देना चाहिए कि जो बंदा खुद शरीयत पे अमल ना करता हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।